अग्निवीर भर्ती 1 नवंबर से 8 नवंबर तक चंपावत जिले के बनबसा में कराई जाएगी। कलेक्ट्रेट से मिली जानकारी के अनुसार भर्ती में भाग लेने वाले युवाओं को एडमिट कार्ड, शैक्षिक अभिलेख, खेल और एनसीसी सर्टिफिकेट के साथ 25 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर भर्ती में पहुंचना होगा। खेलो इंडिया योजना के तहत रोहतक टैलेंट हंट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें स्पोर्ट्स गर्ल्स हॉस्टल पिथौरागढ़ की बालिका खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत एवं 6 कांस्य पदक जीते। चैंपियनशिप में हॉस्टल की 18 बालिकाओं ने कैप्टन देवी चंद बॉक्सिंग प्रशिक्षक के नेतृत्व में प्रतिभाग किया। जया बिष्ट, रिया जोशी ने स्वर्ण पदक, भूमिका बसेड़ा ने रजत पदक एवं रहनुमा मिकरानी, अंजलि कोरंगा, कोमल लोहिया, चांदनी कर्नाटक, बबीता, कोमल मेहता ने कांस्य पदक प्राप्त किया। उनके यहां पहुंचने पर जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रताप सिंह के नेतृत्व में स्वागत किया गया। पद्मश्री डॉक्टर खड़क सिंह वल्दिया को उनकी पुण्यतिथि पर जागुटा पहाड़ परिवार ने श्रद्धांजलि दी। संयोजक गोपू मेहर ने कहा कि वल्दिया ने सीमांत पिथौरागढ़ का नाम देश विदेश में रोशन किया और भूगर्भ के क्षेत्र में कई नई पद्धति से विश्व को ज्ञान दिया। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2 दिनी जिला स्तरीय चयन ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में प्रारंभ हो गए। पहले दिन छात्रवृत्ति पाने हेतु एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस एवं हॉकी खेलों में कुल 206 खिलाड़ियों ने पसीना बहाया। जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि चयन प्रक्रिया कल भी जारी रहेगी। बलवाकोट थाना अध्यक्ष अनिल आर्या के नेतृत्व में पुलिस एवं एसएसबी के एसआई गंगाराम ने टीम के साथ ग्राम गोहिया क्षेत्र में संयुक्त रूप से कैंपिंग की। स्थानीय लोगों को नशे के दुष्परिणामों व साइबर अपराध से बचाव के संबंध में जानकारी दी। यातायात नियमों का पालन करने हेतु ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इस दौरान कोई संदिग्ध व्यक्ति गतिविधि का होना प्रकाश में नहीं आया। शराब के नशे में वाहन चलाने और लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने और मिशन मर्यादा में 91 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। एसपी लोकेश्वर सिंह का कहना है कि पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को नगर के दयासागर इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेंद्र पंत ने छात्र छात्राओं को करियर संबंधी जानकारी दी। उन्होंने प्रतियोगिता में सफल होने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को विभिन्न कानूनी जानकारियां और पुलिस की हेल्पलाइन नंबरों से भी अवगत कराया गया। मॉनसून काल में हम रखते हैं आपकी आँखों का ख्याल। आ गया है मॉनसून ऑफर, जहां आपको मिलेगा फ्रेम के साथ प्रिज्म व अन्य ब्रांडेड लेंस बिल्कुल फ्री। ऑफर सिर्फ 1 अगस्त 2023 से 30 सितंबर 2023 तक। फ्रेम 300 रुपये से शुरू और भी कई ऑफर उपलब्ध। आज ही ऑफर का लाभ उठाएं, जल्द संपर्क करें रेबन ऑप्टिकल्स, पार्वती मार्केट सिल्थाम या ऑप्टिकल गैलरी नियर SBI सिमलगेर पिथौरागढ़। जिलाधिकारी रीना जोशी ने राजस्व बढ़ाने के लिए खनन, विद्युत, आबकारी, सिंचाई, राजस्व आदि विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने खनन विभाग को निर्देश दिए कि उपखनिज निकालने के लिए नदी तट पर अधिक से अधिक संख्या में पट्टे चिन्हित किए जाएं। इससे अवैध खनन रुकेगा और अवैध कानून पर रोक लगेगी। उन्होंने विद्युत चोरी पकड़ने के लिए अधिशाषी अभियंता को संबंधित क्षेत्र के उप जिला अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए अभियान चलाने को कहा। पिथौरागढ़ नगर के तिलडुकरी निवासी एक युवा रविंद्र सिंह बिश ने अंगदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने केंद्रीय चिकित्सा विभाग को अपनी जरूरी औपचारिकताओं के साथ सहमति पत्र दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्रेन डेड होने के बाद उनके विभिन्न अंग चिकित्सा के अध्ययन के लिए लिए जा सकते हैं। युवक की इस पहल की तमाम लोगों ने सराहना की है। शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिड़ के विद्यार्थियों ने प्रभारी प्रधानाचार्य करण सिंह थापा के नेतृत्व में जनरल BC जोशी स्कूल का निरीक्षण किया। वीरगाथा कार्यक्रम के तहत सेना मेडल से सम्मानित रिटायर्ड हवलदार भगवान सिंह रौतेला ने बच्चों को वीर गाथाएं सुनाई। बच्चों ने विद्यालय की प्रयोगशालाएं और अन्य सुविधाएं देखी। प्रशासनिक अधिकारी कैप्टन KS बेश ने बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम में शिक्षक प्रेम सिंह धामी, गौरव कापड़ी ने बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व सैनिक कल टकाना रामलीला मैदान में 10 बजे से सभा करेंगे। संगठन के उपाध्यक्ष मयूख भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री के जनपद दौरे को देखते हुए उन्हें पूर्व सैनिकों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने पूर्व सैनिकों से अधिक संख्या में सभा में पहुंचने का आह्वान किया। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी,
अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।